Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. In this video, we are going to read chapter number 6, Changes Around Us, from the book of science of class 6th. So, let's start the chapter. Changes Around Us. What is the meaning of changes around us? Means, हमारे चारों तरफ जो भी क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, changes हो रहे हैं, regarding that we are going to read in this chapter. So what a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. कितने मज़ेदार होगा अगर आपके चारों तरफ क्या हो जाए, changes हो जाए, अगर आपके पास कुछ magical powers आ जाए, है ना. तो what are the things you want to change, वो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आप change करना चाहते हैं. What are the things you would want to चेंज आपसे पूछा है. तो आप यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हैं कुछ, है ना, नाक बड़ी हो गई है किसी की, कोई कुछ सोच रहा है, किसी को क्राउन मिल गया है, किसी के पास पेंसिल आ गई, मैजिकल पेंसिल, जादू से घर बन गया. तो ये जो बॉय आपको दिख रहा है ये मैजिक के बारे में सोच रहा है, मैजिक करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, नाक बड़ी करूँगा, आराम से उड़ूँगा, है ना, एक पेन पेंसिल होगी मैजिकल. We do not have magical powers, of course. हमारे पास भले ही magical powers नहीं है, but we can still change a few things around us. लेकिन हम फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने चारों तरफ क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं. Perhaps many, शायद बहुत सारी चीज़ें, कुछ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो बदल सकते हैं. Can you list a few things around? You can change around you? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं जो चीज़ें आप अपने चारों तरफ चेंज करेंगे विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं होगा. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी हैं जो अपने आप क्या होते हैं, हो जाते हैं, और उनमें मैजिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. लाइक इन द फील्ड्स, अगर आप फील्ड्स में देखें तो जो क्रॉप्स होती हैं चेंज होती हैं समय समय पर. पहले उनका पौधा लगता है, फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उनमें फूल आता है, फिर बीज आता है, और ऐसे ऐसे करके अनाज उगता है. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कई बार पत्ते पेड़ों से झड़ते हैं. चेंजेस कलर भी बदलते हैं और क्या हो जाते हैं, सूख कर नीचे भी गिर जाते हैं. द फ्लावर्स ब्रूम एंड देन विदर अवे, फूल खिलते हैं और उसके खिलने के बाद क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट के बिखर जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं. योर नेल्स ग्रो, आपके जो नाखून हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना. आपके बाल, योर हेयर्स, वो भी ग्रो होते हैं. यू ग्रो टॉलर, आप बड़े होते हो. एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ता है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल, क्या आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो होते थे. डिड यू रियलाइज़, क्या आपने कभी ऐसा रियलाइज़ किया है कि अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, कि आपके चारों तरफ हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, है ना. फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ग्रुप कर दिया जाए, उनका ग्रुपिंग की जाए. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, और कैसे हम उन चेंजेस को ग्रुप में ला सकते हैं. इट माइट हेल्प, शायद इससे थोड़ी हेल्प हो जाए. इफ़ यू फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, अगर उन चेंजेस में कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज़ हों और उन्हें ग्रुपिंग करने में ईजी रहे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या जो चेंजेस हैं जब चेंज होता है क्या वो वापस वैसा हो सकता है. आपसे ये पूछ रहा है कि जब कोई चेंज आता है किसी चीज़ में वो वापस उस जैसा हो सकता है. सपोज़ फॉर योर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी पेंसिल है जिससे आप लिखते हैं, अगर आप उसको शार्प करते हैं जब शार्प करते हैं वो क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है. क्या वो वापस जैसी थी वैसी हो सकती है, नहीं हो सकती है. तो नहीं हो सकती है ना. इट मीन्स कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं लेकिन रिवर्स हो सकते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है रिवर्स का, यहाँ पे आप बैलून देख रहे हैं,
या बलून आपको दिखाई दे रहा है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक्टिविटी वन में आप देख रहे होंगे कि आपको एक बलून लेना है और उसको फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि वो फूटना नहीं चाहिए। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, आपने देखा होगा फिगर 6.1 में कि जो बलून की शेप है और साइज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, अब उस बलून में से हवा को क्या करने दो, निकलने दो। तो आपने देखा होगा वो वापस कैसा आ गया, जैसा आपके पास था वैसा का वैसा वापस हो गया है। अब आपके पास है एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू में क्या कह रहा है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन फिगर 6.2। 6.2 में आप देख रहे हैं आपको एक पेपर लेने के लिए कहा है, उसको फोल्ड करने के लिए कहा है, जैसा एक्टिविटी फिगर 6.2 में कहा है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इंटू अ टॉय एरोप्लेन, उन्होंने क्या बनाया, आपको भी क्या करना है, उस पेपर का एक एरोप्लेन बना देना है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आप बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, ऐसे घिसते हैं और फिर उड़ाते हैं, देखते हैं किसका सबसे दूर जाता है। तो ये आपको बनाने के लिए कह रहा है और खेलने के लिए भी कह रहा है। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जैसे आप उस प्लेन से थक गए खेलते खेलते, अनफोल्ड द पेपर अगेन, उस पेपर को वापस क्या कर दो, खोल दो। तो आपने देखा कि जो उसकी शेप थी वो वापस वैसी की वैसी आ जाएगी, क्योंकि ना तो हमने कहीं उसमें कटिंग की है, ना उसको टिल्ट किया, ना कुछ ऐसा किया, ना उसको जलाया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंज करने के बाद भी वापस रिवर्स हो गया। अब आती है आपकी एक्टिविटी नंबर थ्री। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, आटा गुदा हुआ है और आपसे कहा है कि उसकी क्या करो, आटे की लोई बना दो, एक बॉल बना दो। जब मम्मी रोटी बनाती है उससे पहले क्या बनाती है, उसकी लोई बनाती है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, उससे क्या कह रहे हैं, आपको रोटी बनाया आपको कहा है, जैसे फिगर 6.3 में दिखाया है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप, भले उसकी शेप गोल ना आए, एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू अ बॉल ऑफ द, अगेन अगर शेप सही नहीं बनी आप चाहें तो वापस उसको फिर से उसका क्या बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं उस डग की, है ना। नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3, आपसे कहा है कि चेंजेस ऑब्जर्व करो कि एक्टिविटी 1, 2, 3 में क्या क्या चेंजेस आए और क्या कॉमन रहा उनमें, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। उनमें कॉमन ये रहा कि वापस उसी शेप में आ सकते हैं, है ना। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, आपसे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एक्टिविटी थी, जो बलून था, क्या उसकी शेप साइज़ वापस वैसी हो सकती है जैसे उसकी ओरिजिनल थी। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाने के बाद क्या वापस उस पेपर की शेप और साइज़ हो सकती है जैसा वो था। थर्ड, वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डव अगेन, जो डो आपने, जिस डो से आपने बॉल बनाई थी, रोटी बनाई थी, क्या वो वापस डो की कंडीशन में आ सकता है। व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने इसमें क्या कंक्लूजन पाया, इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज़, आपने देखा इन तीनों एक्टिविटी में इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड आर एक्टिविटी, आपसे कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, जिस मटीरियल से आपने अपनी एक्टिविटी क्रिएट की थी, जो एक्टिविटी स्टार्ट की थी, क्या वो वापस वैसी कंडीशन में आ सकता है। इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर आपका आंसर क्या है, अगर आपका आंसर क्या है, येस है, इट मीन्स दैट द चेंज इज अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स, यानी कि वो रिवर्स हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस, उन्हीं एक्टिविटीज़ को रिपीट करने के लिए कहा है दूसरे तरीके से। तो हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर फोर। ओके, सो द एक्टिविटी फोर इज़ टेक द सेम बलून, उस बलून को वापस लीजिए, रिवाइज करने के लिए कह रहा है उस एक्टिविटी को। अब देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। टेक द सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी वन, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज़, पूरे उसको फुल साइज़ तक उसको ब्लो करना है। एंड टाई इट्स माउथ, और उसका मुँह बांध देना है विद अ स्ट्रिंग टाइटली, किसी भी रस्सी से धागे से आपको उसको टाइटली बांध देना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, क्या करना है, आप पेंसिल की टिप से उसमें बलून में लगाना है आपको, प्रिक करना है। उप्स, क्या हुआ, इट बर्स्ट, वो क्या हो गया, फूट गया, है ना। एक्टिविटी फाइव देखते हैं। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, वापस आपसे कहा है कि उस पेपर को जो आपने एक्टिविटी टू में यूज़ किया था वापस उसको यूज़ करो, और क्या करो, एक एरोप्लेन ड्रॉ करो उस पर, उस कागज़ पर, और उसकी कटिंग कर दो जैसा कि फिगर 6.4 में दिखाया। तो देखा आपने पेपर कट चुका है, क्या वो पेपर वापस उस शेप में आ सकता है, आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी सिक्स,
रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. एक्टिविटी फिगर 6.5 में आपसे कहा है, एक्टिविटी 6 में आपसे कहा है कि उस गुथे हुए आटे में से क्या करना है आपको, उसकी रोटी बेलनी है और उसको बनाना है. तो आपने जब उसको बना दिया, सेक दिया, अब क्या वापस उसका आटा बना सकते हैं? थिंक अबाउट इट. सपोज यू आर आस्क द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3. अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन करने की बात कह रहा है कि जो आपसे एक्टिविटी 3 के बाद क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपसे अब एक्टिविटी 6 के बाद वही क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके अब आंसर्स क्या होंगे? तो ये रहे आपके वो थ्री क्वेश्चन, यहाँ देख रहे होंगे आप. ये रहे 1, 2 एंड 3. तो अब कह रहा है कि जो एक्टिविटी 3 के बाद क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आपके आंसर्स उनके क्या होंगे? तो आपने देखा, वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5, 6. तो आपसे कह रहा है कि जो एक्टिविटी 4, 5, 6 है कैन नॉट बी रिवर्स्ड. उन एक्टिविटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहला बलून था वो फूट चुका है, ठीक है, अब वो बलून की शेप में नहीं आ सकता. सेकेंड आपका था कागज़, जिसका आपने एरोप्लेन बनाया था और उसकी एरोप्लेन की शेप की कटिंग कर दी थी, तो वापस वैसा कागज़ शेप का साइज़ का नहीं आ सकता. रोटी की बात आई थी, अब रोटी सिक चुकी है, बन चुकी है, खाने के लिए रेडी है, वो वापस आटे में मिक्स नहीं हो सकती है, है ना? तो आपने क्या किया, आपके यहाँ पे आंसर्स बता दिए. देखो उन्होंने जो मैंने आपको बताया, तो वही आपको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर. तो आपने देखा इनमें क्या कॉमन चेंजेस थे, कि वो रिवर्सिबल नहीं है. एक्टिविटी 4, 5, 6 में जो चेंजेस आए हैं वो रिवर्सिबल नहीं हैं. अब आगे देखते हैं टेबल 6.1, सम कॉमन चेंजेस. तो आपसे डिस्कशन किया है यहाँ पर, रॉ एग टू बॉयल एग कैन बी रिवर्स्ड. जब एक कच्चे अंडे से उसको बॉयल कर दिया जाएगा, क्या उस बॉयल अंडे को वापस आप कच्चा अंडा बना सकते हैं? यस और नो? नो, अब तो पक चुका है. बैटर टू इडली, बैटर की इडली बन चुकी है, क्या ये रिवर्सिबल है? नो. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ को ड्राई किया गया और ड्राई क्लोथ्स को वेट किया जा सकता है, ठीक है, तो यस दिस इज रिवर्सिबल. वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, वुलन यार्न से क्या किया गया, स्वेटर बनाया गया, क्या उसका वापस वुलन यार्न बन सकता है? यस बन सकता है. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, उस आटे का आटा बना दिया गया है, दानों का, ठीक है ना, गेहूं का आटा बन चुका है, तो क्या उसके वापस बीज बनाए जा सकते हैं? नो. अब तो क्या हो चुका है, ग्राइंड हो चुका है. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हॉट मिल्क से कोल्ड मिल्क बन सकता है, यानी कि यस. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल स्ट्रिंग, यस ये भी हो सकता है. बर्ड टू फ्लावर, कली से फूल बन गया, फूल से कली तो नहीं बन सकता. मिल्क टू पनीर, पनीर टू मिल्क नहीं हो सकता. काउडंग टू बायोगैस, बायोगैस से काउडंग नहीं हो सकता. स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, यस ये भी पॉसिबल है. आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, यस पॉसिबल. तो यही आपसे यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना. तो आगे देखते हैं, तो यही हमने यहाँ पढ़ा है. इसके बाद आपका आता है दिस वन, विच इज कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या यहाँ और भी तरीके हैं जो चेंजेस लाए जा सकते हैं. दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन रीड द चैप्टर केयरफुली. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.